Hey, what's up guys, thank you for tuning into my channel, the Fit Sardar. मैं आपका host जसविंदर सिंह. Guys, आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में, कि वेट गेन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कि आप किस तरीके से वेट गेन कर सकते हो, वो भी कम से कम टाइम में. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा गाइज कि वेट गेन जो होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है. सबसे पहले आपका वर्कआउट, देन आपका डाइट, उसके बाद आता है आपका रेस्ट. और गाइज आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं, ज्यादातर तो लोग यही बोलते हैं कि वेट गेन हो या वेट लॉस हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका डाइट. डाइट 70% रोल प्ले करता है, उसके बाद आपका वर्कआउट आता है, देन उसके बाद कुछ और आता है. मगर इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ. मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है उसके अकॉर्डिंग गाइज, आपका वर्कआउट सबसे पहले आता है वेट गेन के मामले में, देन आता है आपका डाइट, उसके बाद आता है आपका रेस्ट. ऐसा इसलिए गाइज क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग जो वेट गेन करना चाहते होते हैं मगर जिम नहीं कर पाते हैं, या जिम नहीं करते हैं, उनको पसंद नहीं है, या किसी भी पर्सनल रीजन से, तो वो बहुत सारा डाइट लेते हैं, बहुत कुछ खाते पीते हैं, जिससे क्या होता है उनका वेट तो बढ़ जाता है मगर उनका वेट बेसिकली बड़ा होता है उनका सारा एब्डोमिनल एरिया पे. उनका स्टमक फूल जाता है, वेट गेन हो जाता है मगर स्टमक फूल जाता है, उनका मसल्स डेवलप नहीं हुए होते, जिससे क्या होता है कि उनका बॉडी एक अच्छा प्रोपोर्शनेट बॉडी नहीं लगता. तो जिम इसलिए इम्पोर्टेंट है गाइज, यहीं पे अगर जो बंदा जिम कर रहा होगा, जिम के साथ डाइट ले रहा हो, उसका क्या होगा, उसका मसल्स अच्छे से डेवलप होंगे क्योंकि उसने जिम किया, उसने जिस मसल पे वर्क किया वो मसल फटीग गया, वो मसल के फाइबर ब्रेक डाउन हुए, तो आपने अपना डाइट दिया अच्छे से, तो वो क्या होगा कि वो मसल्स आपका डेवलप होगा, वो मसल ग्रो करेगा, उस मसल वेट बढ़ेगा आपका. उसके बाद अगर कुछ बचा होगा जो डाइट में से होगा एक्स्ट्रा, वो आपको जाके आपके स्टमक एरिया पे लगेगा, अगर कुछ बचेगा एक्स्ट्रा तो जिससे क्या होगा आपका बॉडी एक प्रोपोर्शनेट बॉडी दिखेगा, जिससे हैवी बिल्ड मसल्स दिखेंगे आपके. उसके बाद आपका आता है, आखिरी में आएगा आपका रेस्ट. तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. जो गाइस आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वर्कआउट में, कि आपका वर्कआउट कितना लंबा होना चाहिए, कितने घंटे का या कितने मिनट्स का होना चाहिए. सेकंड आपका कि आपने वीक में कितने दिन वर्कआउट करना है. थर्ड होगा कि आपका जो वर्कआउट होगा उसको किस हिसाब से आपने प्लान करना है. तो सबसे पहले तो आपका वर्कआउट की अगर हम बात करें तो आपका वर्कआउट जो होगा 5 डेज का होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 डेज अगर आप वेट गेन कर रहे हो. क्यों? क्योंकि गाइज आपको वर्कआउट भी करना है और साथ साथ अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है, ताकि आपको बॉडी रिकवर अच्छे से कर सके. और उसके बाद आपका आएगा टाइम, कि आपका कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, कि आपका वर्कआउट कितना लंबा होना चाहिए. जैसे कि आप देखते हो गाइज, बहुत से लोग कहते हैं 45 मिनट्स का वर्कआउट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा की वर्कआउट की आपको जरूरत नहीं होती है, इससे अगर ज्यादा का वर्कआउट कर रहे हो तो आप ओवर ट्रेन कर रहे हो, फलाना ढिमकाना. गाइज ऐसा कुछ नहीं है. 45 मिनट गाइज मुझे बताइए होता है कितना. अब 45 मिनट के वर्कआउट में आपने 10 मिनट आप ले लोगे, आप जाओगे जिम, आप 10 मिनट का तो वार्म अप करोगे, सबसे पहले बॉडी टोन, बॉडी को एक हीटअप करोगे ताकि एक फ्लो में आ सके वर्कआउट के. उसके बाद आप वर्कआउट शुरू करोगे, उस 45 मिनट में 10 मिनट तो निकल गए आपके वार्म अप में. उसके बाद 35 मिनट के वर्कआउट में कोई मसल होता है गाइस? अगर आप कोई बड़ा मसल ट्रेन कर रहे हो, मान लीजिए चेस्ट हो गया, बैक हो गया, लेग हो गया, तो इनमें गाइस ये बड़े मसल है, इनको एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, 1 घंटा तो मिनिमम लगता ही है इनको अच्छे से ट्रेन करने में. तो अकॉर्डिंग टू मी गाइज आपका वर्कआउट जो होगा वो 1.25 घंटे का तो मिनिमम होगा ही, 1.25 घंटे का वर्कआउट तो चाहिए, खास करके इन 3 बड़े मसल्स के लिए. बाकी शोल्डर हो गया या आर्म्स हो गया, इन ये आपका 1 आवर के अंदर फिनिश हो सकते हैं. 45 मिनट में तो कोई केवल फॉर्मेलिटी होती है, वर्कआउट तो नहीं होता. तो आप जाओगे, जाके अच्छे से वर्कआउट करोगे, एक प्रिपरेशन सेट करोगे, उसके बाद 4 या 3 आप रेगुलर सेट करोगे अपने आप. और उन रेगुलर सेट को भी ऐसा तो नहीं करना कि केवल फॉर्मेलिटी करी, 15-12 रैप करे छोड़ दिया, को आपने अपने बॉडी को एक अच्छे से तपाना है, फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं करना. फॉर्मेलिटी तो बड़ी जल्दी निपट जाती है, अगर आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा. आपने हर सेट में 30 से 35 सेकंड का रेस्ट, 30 से 45 सेकंड का रेस्ट जरूर देना है, और एक्सरसाइज कंप्लीट हुई उसके बाद आपने 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट देना है. तो इस तरीके से गाइज आपका जो वर्कआउट होगा वो 1.5 घंटा 1.25 घंटा तो लेगा ही लेगा. और चलिए अब बात करते हैं कि आपका जो वर्कआउट होगा उसको किस तरीके से आपने प्लान करना है, कि कौन से डे पे किस कौन सा वर्कआउट करना है आपने, और कब आपने रेस्ट देना है. तो गाइज जो फर्स्ट 3 डेज होंगे आपने ध्यान देना, 3 दिन वर्कआउट करना है, फिर 1 दिन का रेस्ट देना है, देन अगेन 2 दिन वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद संडे आ रहेगा तो संडे का रेस्ट हो जाएगा. फर्स्ट 3 डेज आपने फॉर एग्जांपल मान लिया, 1 दिन आपने बैक किया, चेस्ट किया, फिर उसके बाद आपने कर लिया आर्म्स, 2 बड़े मसल किए हमने, बैक हो गया, चेस्ट हो गया, या जो भी आपने मान लिया यूनिवर्सल चेस्ट डे होता है मंडे, तो मान लिया मंडे चेस्ट किया, फिर बैक किया, उसके बाद हमने कर लिया 2 बड़े मसल करने के बाद 1 छोटा मसल कर लिया आर्म्स. आर्म्स में आ रहा था आपका बाइसेप, ट्राइसेप और फोरआर्म, और ये 3 मसल आपके 1 दिन में आपने ट्रेन करना है. उसके बाद जब ये 3 दिन का वर्कआउट हो जाएगा, आपने अपने बॉडी को 1 दिन का रेस्ट देना है,
उसके बाद आपका आएगा फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे आपके जो बड़े जो मसल्स आपके बच गए हैं, जैसे कि शोल्डर हो गया, आपने शोल्डर फ्राइडे को ट्रेन कर लिया, सैटरडे को आपने लेग ट्रेन कर लिया, क्योंकि यूजली लोग सैटरडे को ही लेग ट्रेन करते ताकि उसके बाद जो आपको संडे को रेस्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से आपने अपना वीक का जो वर्कआउट है उसको प्लान करना है। बाकी आप इस चीज को आगे पीछे शफल कर सकते हो। फर्स्ट टू डेज आपने दो बड़े मसल रखने हैं, फिर एक छोटा मसल हो गया यानी कि आर्म्स हो गया, आर्म्स को रखा, उसके बाद फिर दो दिन आपने बड़े मसल्स कर लिए। तो गाइस अब बात करते हैं कि डाइट की। तो डाइट किस तरीके से रखनी है गाइस, आपने डाइट में जो मैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा इसमें वेट गेन के मामले में, तो वो होगा आपका कार्ब्स की। कार्ब्स सबसे टॉप पे रखूंगा मैं, उसके बाद आता है आपका प्रोटीन, देन आपका आता है फैट और शुगर्स जो बाकी की चीज हो गई। तो कार्ब्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए गाइस क्योंकि कार्ब्स क्या है, कार्ब्स होती है एक तरीके से आपकी एनर्जी होती है। एनर्जी की जरूरत हमको कहाँ पड़ेगी, क्योंकि आपने वर्कआउट एक अच्छे लेवल का वर्कआउट करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। अगर आप कार्ब्स ही कम रखोगे अपनी बॉडी में तो आप जिम में वर्कआउट क्या करोगे, तो आप अच्छे से वेट्स नहीं लिफ्ट कर पाओगे। जब आप अच्छे से वेट्स नहीं लिफ्ट कर पाओगे तो आपका मसल भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो कार्ब्स तो जरूरी है ही है सबसे ज्यादा। और कार्ब्स कितना लेना है आपने, आपने अपने केजी में बॉडी वेट के डबल आपने कार्ब्स लेना है ग्राम में। उसके बाद आती है बात प्रोटीन की। गाइस जैसे कि आप देखते हो 90% लोग कहते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, अगर आप जिम कर रहे हो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में कार्ब्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस तब पड़ेगी जब आपने अच्छे से वर्कआउट कर लिया, हमने कार्ब्स पहले लिया अच्छे से, कार्ब्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उसका हमने एनर्जी आई हमारे अंदर कार्ब्स से, उसका हमने वर्कआउट किया, हमारा मसल ब्रेक डाउन हुआ, अब हमको प्रोटीन की जरूरत है। पहले प्रोटीन की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रोटीन को हम लाएंगे नंबर टू पे। तो प्रोटीन को हमने दिया अपनी बॉडी को, प्रोटीन होता है हमारा मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो उसने हमने मसल को हमने पहले ब्रेक डाउन किया, उसके बाद मसल को हम बिल्ड करेंगे, उसको रिपेयर करने के लिए हमको प्रोटीन दिया हमने। तो प्रोटीन कितना लेना है, प्रोटीन भी गाइस आपने अपने बॉडी वेट का केजी में बॉडी वेट का डबल इन ग्राम्स लेना है आपने। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मेरा 70 केजी अगर वेट है तो मैं 140 या 150 ग्राम प्रोटीन लूंगा। अगर और भी ले सकते हैं ज्यादा, अगर और अच्छा से, अगर आपका वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका वर्कआउट और इंटेंस है तो आप थोड़ा सा प्रोटीन की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद आता है आपका फैट और शुगर्स। और गाइस लास्ट में अब हम बात करेंगे रेस्ट की, कि रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर आप वेट गेन कर रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो उसकी रिकवरी सबसे ज्यादा होती है जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, जब आप सो रहे होते हो, खास करके तब जब आप साउंड स्लीप ले रहे होते हो। इसीलिए गाइस हमने 5 डेज का वर्कआउट रखा था ताकि हम 2 दिन का वीक में रेस्ट दे सके बॉडी को। 3 दिन वर्कआउट किया, 3 दिन में हमने अपने बॉडी को निचोड़ लिया अच्छे से, फिर 1 दिन का रेस्ट दिया ताकि वो रिकवरी कर सके अपने 3 दिन के वर्कआउट के बाद, जो थकावट हुई उससे रिकवर कर सके अपनी बॉडी को, जो मसल ब्रेकडाउन हुए उसको अपने हम डाइट से रिकवर कर सके 1 दिन का रेस्ट देके। उसके बाद 2 दिन फिर वर्कआउट किया हमने अच्छे से, निचोड़ा अपने बॉडी को, फिर 1 दिन का रेस्ट दिया संडे का ताकि फिर से रिकवर कर सके और मसल अच्छे से गेन हो सके। गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, वेट गेन का सारा कॉन्सेप्ट इसमें हमने क्लियर किया, वर्कआउट आपका कवर किया हमने, किस तरीके से वर्कआउट करना है, कितना वर्कआउट करना है और कितने मसल्स करने हैं 1 दिन में, और किस तरीके से अपना वर्कआउट प्लान करना है। सेकंड हमने क्लियर किया इस चीज में कि हमने वेट गेन के कॉन्सेप्ट में हमने डाइट किस तरीके से अपनी प्लान करनी है, कार्ब्स को क्या इंपॉर्टेंस देनी है, फिर उसके बाद प्रोटीन की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने ग्राम प्रोटीन लेना है, कितने ग्राम कार्ब्स लेना है, और देन उसके बाद आया हमारा लास्ट में रेस्ट। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा बॉडी, अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम डाइट भी ले रहे हैं, अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे तो रिकवर भी नहीं हो पाएगी हमारी बॉडी अच्छे से। तो गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द फिट सरदार, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आगे के आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको, और लाइक और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारा ये वीडियो। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।